कोपनहेगन से खबर शामिल करते हैं, जहां डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में इसराइली सिफारतखाने के करीब दो धमाके हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोपनहेगन में इसराइल के सिफारतखाने के करीब सुबह 3 से 4 बजे के करीब हुए। इसराइली सिफारतखाने के करीब दो धमाकों से कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ, जबकि इमारत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाकों के बाद 3 स्वीडिश नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। दो नौजवानों को कोपनहेगन के रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होने से कबल गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे नौजवान को किसी दूसरे मकाम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद से तहकीकात जारी है।